बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। लॉकडाउन का उल्लंघन करना अब लोगों को भारी भी पड़ने लगा है। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर पुलिस सख्ती भी बरत रही है। पिटाई तो सामान्य बात है, लेकिन आज शाहपुर गेट पर पुलिस ने दो युवकों को पहले उठक बैठक कराई, फिर गधे की सवारी भी करा दी। इस दौरान इनकी वीडियो भी बनाई गई, लेकिन वीडियो में इस घटनाक्रम का वह हिस्सा भी आ गया जो संभवतः सोचा नहीं गया होगा। इन दोनों में से एक युवक सिपाही को 100 रुपये देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यह पहला वाक्य नहीं है जब परेशान लोगों से पुलिस द्वारा पैसा वसूला जाना सामने आया हो। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान हापुड़ अड्डे के पास भी गैर जिलों से पैदल आ रहे युवकों ने शिकायत की थी कि उनसे पुलिस ने पैसा छीन लिया है। आज का यह वाक्य मेरठ के शाहपुर गेट पुलिस चौकी के अंतर्गत हुआ। दरअसल दो युवक पैदल ही कहीं जा रहे थे कि वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पहले डंडे के बल पर दोनों से उठक बैठक कराई, फिर आदेश देकर उधर से गुजर रहे गधे को पकड़कर लाने को कहा। वह गधे को पकड़ लाए तो उन्हें गधे की सवारी कराई गई। इन सब की वीडियो बनाई गई, लेकिन वीडियो के अंत में इसमें से एक युवक एक सिपाही को 100 रुपये का एक नोट देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। रुपये देने के बाद वह दरोगा के पास जाकर सफाई दे रहा है कि वह घर से बाहर क्यों निकले थे। आइए देखते हैं वह वीडियो। बुला रहे साहब जी, साहब जी की बात सुन ले। सर जी साइड हो जाओ, बेल्ट खींच लियो। तो वो गधा किसका? क्यों बैठे उसमें सालो? लाठी बांध लाठी लाठा अगर अधूरी मारी साले पूरी करवाऊंगा।